हाय गाइस, वी आर गोइंग टू गोवा। मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ और अभी इट्स अराउंड 5 AM। हम लोग निकलते हैं यहाँ से, थाने से। लेट्स होप कि टाइमली पहुँचे। और रेडी हाय हाय गाइस, सो आज हम गोवा के लिए निकल रहे हैं। देखते हैं कैसा रहने वाला है हमारा ट्रिप, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि कैसा हमारा ट्रिप होगा। और फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं इतना लॉन्ग ट्रिप पे, सो होप फॉर द बेस्ट कि कैसा रहने वाला है। स्टे ट्यून्ड, चलो लेट्स गो। ओके चलो गाइस, फाइनली थोड़ी मेहनत के बाद अभी बाइक तैयार हो गई है चलने के लिए। लॉट्स ऑफ लगेज एंड इट्स क्वाइट वेरी डिफिकल्ट बाइक्स को एडजस्ट करना। गॉड, पसीने भी आ गए इतनी ज़्यादा गर्मी है इधर। बस स्टिल रेडी, और हमारा फर्स्ट ट्रिप है जो बाइक पे हमारे इतना लंबा होने वाला था। हम लिटिल वेरी नर्वस कि कैसे होगा, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। अराउंड 12 आवर्स की जर्नी है, देखते हैं हम कितने देर में कंप्लीट कर पाते हैं, है ना। चलो लेट्स गो। बाय। हाय गाइस, अभी हम लोग कहाँ पहुँचे, पुणे पहुँच गए हैं। ब्रेकफास्ट किया है अभी अभी इंद्रानी प्योर वेज पे, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, मेनली क्लीन है बहुत। और आई गेस अभी 400 किलोमीटर समथिंग और बचा है। 400 और कोल्हापुर 300 समथिंग दिखाई दे रहा है अभी हमें, सो लेट्स सी कोल्हापुर स्टे करना है या डायरेक्ट गोवा। चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके देन, अभी हमारे पास जो लगेज है उसमें दो हमारे पास ये डर्ट बैग, डर्ट सैक के सैडल बैग हैं, और एक टेल बैग जो कि एक्चुअली टैंक बैग है, उसको हम टेल पे लगा के चल रहे हैं। ये है बाइकिंग ब्रदरहुड का बैग, है अच्छी क्वालिटी का बैग है बहुत, मतलब स्पेस काफ़ी है इसमें। हमारी ड्यूक में हमने रियर रैक इंस्टॉल कराया हुआ है और बैक रेस्ट इंस्टॉल कराया हुआ है, जिसकी वजह से पिलियन राइडर को बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। स्माइल देखिए आप, कंफर्ट का नाम सुनते ही। बस इतना ही, तीन बैग्स हम लेके चले हैं तो इनफ है आई गेस। हाय, अभी वी हैव क्रॉस्ड कोल्हापुर एंड गोवा जो अभी दिखाई दे रहा है हमें, इट्स अराउंड 170 किलोमीटर्स आई थिंक, सो मे बी इट विल टेक आई थिंक 3 आवर्स मोर। आई एम गेटिंग वेरी टायर्ड बट स्टिल वेरी मच एक्साइटेड एज वेल, सो वांट टू से समथिंग। हाँ चलो, वी आर गेटिंग लेट, सो अंधेरा होने से पहले होप वी विल रीच ओवर देयर। सो आई थिंक मे बी 6 or 6:30 मैक्सिमम विल रीच टू गोवा। ओके बाय बाय, सी या। सो फाइनली वी हैव रीच गोवा, और कल हम कितने बजे पहुंच गए थे, अराउंड 6 PM तक पहुंच गए थे, हम रुकाते बट वी टुक आवर रूट फ्रॉम अजनारा। सो अभी सजेस्ट हो कि अगर आप अम्बोली, हाँ अम्बोली, सो अगर आप वो लेने का प्लान कर रहे हो तो गूगल के थ्रू मत जाइए, लंबा रूट लीजिए बिकॉज इट्स क्वाइट वेरी गुड रोड ओवर देयर। बट अगर आप अजनारा रूट लोगे सो उसका रोड आर पैथेटिक, तो मतलब लाइक आपको और आई थिंक 1.5 आवर बढ़ जाएगा फॉर श्योर।
देन लाइक हमने यहाँ पे जो होटल बुक किया था, होटल नेम इज दैट विच वन जिंजर ट्री होटल. उस होटल को बिल्कुल ना लीजिए बिकॉज वहाँ पे देर आर लॉट ऑफ लिजर्ड्स ओवर देयर और रूम्स आर पैथेटिक, बेडशीट्स एवरीथिंग वॉज पैथेटिक ओवर देयर. देन वी गॉट अ होटल इन ऑन अ रोड ओनली, मतलब मेन मार्केट में होटल है हमारा, ली सीजन एंड इट्स क्वाइट गुड. रूम वगैरह आप देखेंगे तो आप काफ़ी अच्छा है एंड होटल मिलने वाला है वो हमें, क्योंकि हमारा पहले प्लान था कोल्हापुर रुकने का. रास्ते में चलते चलते भी डिसाइडेड कि नहीं रुकना नहीं है, गोवा ही पहुंचना है सीधा. डायरेक्टली गोवा ही जाना है. तो एक होटल जो बुक किया था जनरेटरी वो पसंद नहीं आया, फिर अभी यहाँ रुके एक रात, अभी जा रहे हैं सीधे अश्विन बीच. वहाँ पे एज आई टोल्ड यू जो हमने रिगालिया होटल किया है सो वहीं पे हम टू डेज के लिए स्टे करने वाले हैं. पहले भी जब आए थे ना तो सिर्फ अश्विन बीच ही लगा था सबसे पीसफुल और एकदम साइलेंट बीच, बाकी सब तो ओवर क्राउडेड है, वहाँ पे आप शांति से बैठ नहीं सकते. चलो लेट्स पैक एंड मूव. हाय अगेन, सो नाउ वी हैव रीच्ड द रेगालिया रिसॉर्ट at Ashwam Beach. It is completely awesome. मतलब लाइक एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे कहीं ज़्यादा बेटर है एंड व्यू इज़ ऑसम. लाइक अगर इफ विल गो टू द बालकनी, बालकनी से ही आपको पूरा Ashwam Beach दिखाई दे रहा है एंड Thank you.
अभी हमने रूट थोड़ा चेंज किया, इस बार हम गोवा से डायरेक्ट अम्बोली होते नहीं जाएंगे, इस बार हमने रूट लिया बेलगांव जाते हुए। तो कर्नाटका में आई गेस रूट थोड़ी बेटर है, थोड़ा जंगल वाला रास्ता है पर फिर भी बेटर रहेगा, है ना। हाँ राइट, काफ़ी एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज लाइक अगर आप अम्बोली से आते हुए जैसे हम आए हैं तो बहुत ही ज़्यादा रोड पैथेटिक है वहाँ पे एकदम, बट यहाँ की रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। रोड कंडीशन जब हम रास्ते में आ भी रहे थे ना तो दो तीन लोग हमें दिखे थे कि व्हीकल पंचर थे, वो जोड़ रहे थे और सेम हमारे साथ भी हुआ। हम होटल पहुँचे तब टायर फ्लैट हो गया था एकदम, एक नेल निकला। सो अभी हम लाइक बेलगांव होते हुए जा रहे हैं एंड अभी 5 आवर्स का रास्ता हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे गोला पुट्टी के लिए। सो स्टे ट्यून। हम लोग पुणे पहुंच गए हैं और यहाँ पे नोवेटल होटल जो है उसमें वहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। इट्स अ गुड होटल, सो वुड रिकमेंड यू ऑल अगर आप इफ यू आर कमिंग विद योर वाइफ फ्रॉम मुंबई टू गोवा, सो आई थिंक आप एक स्टे लो बिकॉज जो हम पहले आते समय तो कहीं पे स्टे नहीं किया, वो डायरेक्टली हम गोवा पहुँचे, सो थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट हो गया था, बट आते वक्त हमने चेकआउट जो किया दैट वाज एट अराउंड 11 AM, थोड़ा लेट हमारा हो गया था, सो इसलिए आई थिंक हमें स्टे करना पड़ा है, दैट्स द रीज़न। रीज़न बेसिकली मेन रीज़न ये था कि पुणे के आगे फिर मुंबई का रास्ता बहुत बुरा है, आपको लोनावला बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्रॉस करना, रोड सेफ्टी के पर्पज से भी और वैसे भी। सो इफ यू कमिंग विद योर गर्ल फ्रेंड और योर वाइफ और समवन, सो आई थिंक आई वुड रिकमेंड कि आप एक स्टे लेके चले, पुणे इज अ गुड प्लेस, अदरवाइज बिफोर सनसेट क्रॉस करें लोनावला। या सो ठीक है।